है कि हमारी स्किन वो आगे जो खड़ा है क्यों खड़ी है, उनकी पर्सनैलिटी के लिए उसके पास कैसे बाल है, उसकी स्किन कैसी है, बाकी के भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि वो कैसी बोलती है, बोल रही है, लेकिन पहला जो है तो हमारा इंप्रेशन स्किन से होता है, बराबर। तो थोड़ा हम आज क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एटोमी तो थोड़ा स्किन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हमारी स्किन है सबको जो विजिबल दिख रही है, हाँ, हमारी स्किन जो है वो एपिडर्मिस लेयर। अभी यहाँ जो स्किन का डायग्राम है वहाँ हम देख रहे हैं कि डर्मिस और एपिडर्मिस हमारे स्किन को 7 लेयर्स रहते हैं, राइट। जो हमारा दिखने वाला स्किन है ना, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। वो एपिड क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, वी ऑल आर बिकमिंग लीडर्स नाउ, सो वी शुड एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट टू आवर क्लाइंट। अगर हम ब्यूटिशियन हैं तो हमारी तो ये जिम्मेदारी होती है कि वी शुड एजुकेट आवर क्लाइंट दैट वाई वी आर यूजिंग और गिविंग यू दिस प्रोडक्ट एज एन होम केयर, बराबर। सो यहाँ एटोमी में आने के लिए और आते वक्त इवन इफ यू आर नॉट अ ब्यूटिशियन यू शुड नो दैट वाई यू आर गिविंग और रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट टू यूर क्लाइंट और रिलेटिव एनी वन, राइट। सो हमारी स्किन जो है जो 7 लेयर्स में रहती है वो पहला है एपिडर्मिस और बीच में है डर्मिस, बराबर। अगर हम बात करें बच्चे से तो बच्चा जो है वो इन्फेंट बेबी है 1 महीने का, तो हम क्या देखते हैं कि बरस में वो बहुत बड़ा हो जाता है, 5 बरस में तो बहुत ज़्यादा बड़ा, और दिस गोज ऑन टिल 18 और 21, बराबर 20 तक 21 तक हम देखते हैं कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल्स रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे स्किन जो है वो अगर बाहर से है लेकिन अगर हमारे इंटरनल जो सिस्टम्स है वो भी उतने ही सेल्स डिवाइड करके ग्रो होती है। बट डू यू नो दैट आफ्टर 21 और 25 वी स्टार्ट एजिंग। एजिंग मीन्स व्हाट? हमारे सेल्स रिप्रोडक्शन है ना वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगते हैं, और जो हमारी स्किन है वो भी एक ऑर्गन है ना, तो उसका भी रिप्रोडक्शन। अभी स्किन जो हमारी है तो वो केराटिनाइज लेयर है, केराटिनाइज लेयर मीन्स वो शेड करता रहता है, शेडिंग रहता है उसका। मान लो अगर हम कोई भिखारी देखते हैं, जो भिखारी रहता है वो सड़क पे, तो हम वो भिखारी है कैसे जान देते हैं? क्योंकि उसका गंदापन, कितने दिनों से नहाया नहीं, कितने दिनों से कंघी भी नहीं की, बाल भी बहुत बिखरे हैं, तो इतना गंदा क्यों दिख रहा है वो? क्योंकि उसने चेहरे को पानी भी नहीं लगाया। सो वो जो गंदापन है, वो पोल्यूशन है, वो डेड स्किन है, वो सब कुछ है, वो उसके स्किन के ऊपर आता ही रहता है। और हम लोग क्या है, हम बहुत अच्छी तरीके से नहाते हैं, हर एक कहेगा अपने यहाँ आएंगे अभी ब्यूटिशियन है उनको मालूम है ज्यादा के समस्या लेके आते हैं कि बाबा पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, पोस्ट एक्ने स्कार्स है, और हम ये बाजार में जो कुछ बिकता है वो दिखता है वो खरीद लेते हैं और लगाते रहते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। व्हाई दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स? क्योंकि अगर हम अपना पूरा स्किन का डेड लेयर नहीं निकालेंगे और उसके बाद अगर हम कुछ लगाते हैं तो पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। मीन्स एनी प्रोडक्ट उसकी क्वालिटीज़ है वो पेनिट्रेट करने के लिए हमारा स्किन बहुत अच्छी तरीके से डर्मिस तक क्लीन किया जा सकता है। लेकिन ईच एंड एवरी पर्सन को ये मालूम नहीं रहता कि ये कैसा क्लीन करना है। वो कहते हैं हमेशा तो हम साबुन वगैरह लगाते हैं, कभी कभी स्क्रब भी लगाते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम भी उनको बताना चाहिए, क्योंकि सब वाटर सोल्यूबल और ऑयल सोल्यूबल प्रोडक्ट जो रहते हैं, पोल्यूशन है, हम 2 व्हीलर्स पे जाते हैं तो डस्ट भी लगती है उधर,
तो वो उधर चिपक जाती है, वो नॉर्मल प्रोडक्ट से नहीं निकलती है। तो एटोमी का जो हमारा प्रोडक्ट है इवनिंग केयर, इट वर्क्स ऑन दैट। सो रितु जी विल टेल अबाउट दैट प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप लोगों के हिसाब से एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मार्केट में तो इतने सारे प्रोडक्ट है तो मैं एटोमी क्यों खरीदूं। बहुत सारी ब्यूटिशियन बोलती है मैडम एटोमी क्यों लेंगे जब हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, O3 के प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी तो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। बट आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोगों को एटोमी लेने के लिए सिर्फ इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में तो उसमें लिखा होता है कि ये हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। तो क्या वो सच में हमारे स्किन को बैलेंस करता है? आपने देखा है बस लिखा है, हम यूज कर रहे हैं और नहीं मिलता है छोड़ देते फिर दूसरा यूज करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट से कभी भी हमें उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एज ए मैं भी ब्यूटिशियन हूँ तो मैं बता सकती हूँ और आप लोग की भी यही राय होगी, है कि नहीं, आप हाथ उठाइए, राइट। लेकिन आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे सामने ऐसे प्रोडक्ट आए हैं अंकित सर राठौर सर जी के कहने से कि जिन्होंने हमें इस प्रोडक्ट से परिचय कराया है। ये प्रोडक्ट 100% हमारे पीएच को बैलेंस करता है और मेरे ख्याल से आप लोग जो यूज कर रहे हैं तो आपको भी रिजल्ट आया होगा। तो ये कैसे बैलेंस करता है वो मैं आज आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दूंगी। क्यों करता है कि हमारे, आप सभी को पता है कि हमारे स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे एपिडर्मिस तक ना जाके डर्मिस तक जाता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी मशीनें निकली है, हाइड्रा की मशीनें और मेसोथेरेपी की मशीनें, और हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम उनको सेटिंग देते हैं, देते हैं कि नहीं, और हम उसमें उनसे 4,000, 3,000, 2,000 पर सेटिंग ले लेते हैं। फिर भी आप जब तक उनको 5-6 सेटिंग नहीं देंगे उनके फ्रैकल्स नहीं जाएंगे, वो भी गारंटी नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं झूठ बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ ना। लेकिन आप हमारा ये फेशियल, यूनिक केयर का फेशियल, ऐसा एक फेशियल है मात्र वर्ल्ड का रिसर्च प्रोडक्ट है एटोमी का, R&D का, जो हम बहुत खुश नसीब है कि वो प्रोडक्ट अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मैं गारंटी से बोलती हूँ एक ऐसा ही प्रोडक्ट जो ऑल स्किन पे वर्क करता है, चाहे वो रिंकल्स वाली स्किन हो, चाहे पिंपल्स वाली स्किन हो, चाहे फ्रैकल्स वाली स्किन हो, चाहे मंकी माउथ हो, एनी और प्रॉब्लम। आप किसी भी स्किन की प्रॉब्लम वाली लेडीज को आप इवनिंग केयर सेट का डीप क्लींजिंग, फॉर्म क्लींजिंग, पीलिंग जेल और पीलिंग मास्क, ये 4 स्टेप आते हैं, ये आप उनको हफ्ते में 1 दिन करिए। अगर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम है तो आप उसको हफ्ते में 1 टाइम करिए, तो हफ्ते में करिए। अब देखिए, अब आप बोलते हैं कि मैम सबकी स्किन तो अलग अलग रहती है, सबकी स्किन अलग अलग इसलिए रहती है क्योंकि पीएच अलग अलग रहता है, फिर ये एक प्रोडक्ट ही क्यों काम करेगा? किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया मुझसे, करना चाहिए था कि क्यों करेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों करेगा, क्योंकि क्या होता है कि 4 प्रोडक्ट में, एक तो देखिए जब हम पीलिंग जेल सॉरी डीप क्लेंजिंग यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन में नरिशिंग पैदा करता है, तो वो हम उसके लिए देखो नॉर्मल स्किन में पूरे 4 स्टेप लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो हम क्या करेंगे, डीप क्लेंजिंग को स्किप कर देंगे, उसे नहीं लगाएंगे। और अगर किसी की बहुत सारे पिंपल्स है तो हम फोम क्लींजर उसको लगाएंगे, डीप क्लींजिंग स्किप कर देंगे। अगर नॉर्मल स्किन है और प्रॉब्लम है तो हम डीप क्लींजिंग और फोम क्लींजिंग दोनों उसको अप्लाई करेंगे 5-5 मिनट्स। और जैसे ही हम उसको डीप क्लींजिंग अप्लाई करते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो वो क्या करता है, डर्मिस के अंदर की जो डस्ट है उसको निकालता है और निकाल के वो उसको पूरा क्लीन करता है। जो काम क्या करती है, मशीन करती है, वो काम ये हमारा फेशियल कर रहा है, और ये डीप क्लींजिंग का उसको निकालता है और वो उसको वहाँ से क्लीन कर देता है। उसके बाद जब हम फोम क्लींजर करते हैं तो से वो थोड़ी बहुत जो ऊपर की अंदर की जो है वो भी पूरा क्लीन कर देता है। उसके बाद जब हम इसमें पीलिंग जेल हम 5 मिनट से 10 मिनट्स तक अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, हमारी स्किन की जो डर्टी स्किन है, एक लेयर जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है, 7 लेयर जिसमें हमने बताया, उसमें से 1-2 लेयर जो रहती है वो हमारी बेकार ही रहती है, जो हमेशा बनती जाती है, निकलती जाती है, वो लेयर को पूरा क्लीन कर देता है। और ये उसके बाद जब हम मास्क लगाते हैं तो वो मास्क क्या करता है, हमारे स्किन के पूरे इसको रिंकल्स, पिंपल्स, हमारी फाइन लाइन, हमारी टाइटनिंग, ये सारा वर्क करता है। ये बहुत डीप नॉलेज है बट मैं आपको
मतलब बहुत कम शब्दों में बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम दो लोग बोलने वाले हैं, तो उसके बाद हम आगे हमारा एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। और जैसे फेशियल में लोगों को ये भी रहेगा कि मैम हमारा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक हम उसको क्रीम मसाज ना कर दें, राइट? तो उसके लिए भी है, आप क्या करोगे, आप जब भी इवनिंग केयर का फेशियल खरीदोगे उसमें अपनी वाली क्रीम मसाज जो आप लोग यूज करते हो, कम बजट वालों के लिए कम बजट वाली, अधिक बजट वालों के लिए अधिक बजट वाली, उसको मिक्सिंग मैच करके आप एक डिजाइन करिए और इस डिजाइन में एक प्रोडक्ट जरूर डालिए, वो है स्क्रूनुना। क्योंकि जब तक आप इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं होगी आपका बाहरी हेल्थ ठीक नहीं होगी। और हमारे पास बहुत ही अच्छे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि सर ने डिटेल्स में बताया है, तो मैं मैम को इन्वाइट करूंगी कि मैम थोड़ा एब्सोल्यूट के बारे में बताएंगे। मैम बताइए। अभी एब्सोल्यूट के बारे में बताना है तो अगेन थोड़ा एनाटॉमी जान लेते हैं। ओके, सो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर हम देखें तो हमारी बॉडी कहाँ से बनी है, तो हमारी बॉडी बनी है सिस्टम से। सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बराबर है ना? Yes. तो ये जो सिस्टम है, अगेन ये सिस्टम कहाँ से बने हैं? ऑर्गन से। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं तो उसमें क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो हर एक ऐसी सिस्टम ऑर्गन से बनी होती है, और ये ऑर्गन्स कहाँ से बनते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज कहाँ से बनते हैं? सेल्स से। वो उसके सेल्स का डायग्राम दिखा देते हैं सर। सो दिस इज ह्यूमन बॉडी में एकदम लघुत्तम कौन सा घटक है? तो सेल्स, पेशी, उसको मराठी में आई डोंट हिंदी में भी वही कोशिकाएं। सो ये सेल्स कहाँ से बनती है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो मिनरल वाटर सॉल्ट। इजी शब्दों में बोल रही हूँ, साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स नहीं यूज कर रही हूँ मैं, जो समझ सके वो। हम क्या बोलते हैं? पानी पियो, हाइड्रेशन बढ़ाओ, बराबर ना? स्किन अच्छी दिखेगी, हाइड्रेशन बढ़ाओ, ग्लोइंग स्किन। अगेन हम रेखा जी के ऊपर आते हैं, ग्लोइंग स्किन चाहिए। स्किन हमको अच्छी कब नजर आती है? व्हेन ग्लो है उसके ऊपर, रिंकल्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, पिंपल्स नहीं है। हम बोलते हैं हम ब्यूटिशियन हैं, हम ऊपर से काम करते हैं, लेकिन वी नो अवर स्किन अच्छी भी होनी चाहिए तो इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छे होने चाहिए। तो फीमेल को अलग अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए एटोमी का वो पॉमग्रेनेट जेल और बाकी के प्रॉब्लम्स के लिए हीमोहीम वगैरह है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज प्रोडक्ट्स। लेकिन हम सेल्स के ऊपर अगर अगेन ध्यान दें तो हमारी जो स्किन है दैट इज मोस्ट लार्ज ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है और विजिबल? सेल्स। तो अगर हम सिस्टम को अच्छा रखने के लिए नए नए मेडिसिन लेते हैं, अगर स्केलेटल सिस्टम हमको अच्छी रखनी है तो हम क्या लेते हैं? विटामिन D3 है, K2 है। अगर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है तो हम क्या लेते हैं? लिवर टॉनिक लेते हैं। ऐसा अलग अलग प्रयास हम करते हैं हमारे सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए। वैसे हम क्या करते हैं हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए? तो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हम थोड़ा जान लेते हैं। वो सर ये नहीं, और नॉट दैट वन, लास्ट में मैंने भेजा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा? तो टैनिंग एंड पिगमेंटेशन। अभी हमारी एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है? टैनिंग की और पिगमेंटेशन की। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? हमको मालूम है कि ये जो सनरेज है वो सनरेज क्या क्या लाते हैं? UVA, UVB और UVC, ऐसे तीन रेज उनमें हैं। तो एक रेज क्या करता है? टैनिंग देता है। तो अभी टैन किस वजह से हुआ? सनरेज की वजह से। कई लेडीज बोलती हैं हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं, क्यों लगाए सनस्क्रीन? ट्यूबलाइट लगाते हो ना घर में, तो डू यू नो दैट ट्यूबलाइट आल्सो गिव अस टैनिंग विद अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमको लेडीज को बताना चाहिए
कि अगर आप घर में भी रहो तो भी सनस्क्रीन लगाना ही है आपको, इफ यू वॉन्ट गुड स्किन। दूसरा जो है वो रिंकल्स देती है, यूवीबी ये रिंकल्स देती है, एंड यूवीसी जो रेज है वो ओजोन जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो रहता है ऊपर का लेयर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन डू यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया में एक जगह ओजोन का लेयर फट गया था तो उधर के लोगों को स्किन डिजीज हुआ, स्किन कैंसर हुए। तो इतना सन डैमेज हमारे स्किन को करता है। अगर हमारी स्किन सन डैमेज से अच्छी रहे और टैनिंग से बेहतर रहे तो हमको क्या यूज करना है, सनस्क्रीन। ये हमको क्लाइंट को बताना है, जो खरीद रहे हैं हमसे उनको ये सब एक्सप्लेन हमको करता आना चाहिए, करना चाहिए। सो सनस्क्रीन जो हमारा है वो बोलेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहली स्टेप वो रहेगी अभी जो मैम ने बताया इवनिंग केयर किट, उसमें क्या करेंगे हम डीप क्लिंजिंग, क्लिंजिंग करेंगे। उसके बाद हमको अच्छा दिखना है, फिर लेडीज बोलेंगी अरे अभी तो मैं 40 की हूँ 50 की हूँ, अभी क्या उसमें आएगा रंग, उसमें क्या ग्लो आएगा, रिंकल्स कहाँ मिनिमाइज होने वाली है। रेखा जी ने तो बोटॉक्स लगाए होंगे, फिलर्स लगाए होंगे, बट डू यू नो लेडीज दैट वी कैन रिवर्स अवर एज एट एनी टाइम, मीन्स आफ्टर 50 भी आप अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो, आफ्टर 40 भी आप अच्छी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। ये कब पॉसिबल है, व्हेन यू मेंटेन योर स्किन। अंदर से मेंटेन कर रहे हो आप, लेकिन ऊपर से भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि स्किन भी एक ऑर्गन है। क्योंकि बहुत जन क्या बोलते हैं मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद ये प्रोफेशन में 22 इयर्स में हूँ, लेडीज क्या बोलते हैं अरे अंदर से ले रहे हैं हमको तो अंदर से ही अच्छा होना चाहिए, बाहर से क्या, बाहर से नहीं रिफ्लेक्ट होना है क्या, नहीं नहीं वो तो है ना होना है। तो फिर इनको उनको हमको बताना है कि स्किन भी एक ऑर्गन है और उसको भी अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो हमने देखा कि सेल्स पेशी या कोशिका है जो है वो अफेक्ट करती है, तो अगर हम कोशिकाओं के ऊपर काम करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट्स। तो क्या क्या करना चाहिए, हमारे स्किन को क्या क्या लगता है, तो हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, कोलेजन, बहुत बड़ा साइंस है, इतना तो टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो ये जो हमारा सेल रिन्यूअल किट है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, हमारे सेल्स को हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी और कोलेजन जो चाहिए वो सबको प्रोवाइड करता है। और हमारी स्किन विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ होम केयर वी कैन मेंटेन अवर स्किन रिंकल फ्री, पिगमेंटेशन फ्री, देन यू कैन से पोस्ट एक्ने स्कार्स सब जाता है। मैं खुद यूज करती हूँ, अभी तो ज़्यादा महीने भी नहीं हुए लेकिन मेरे क्लिनिक में सब इंट्रोड्यूस है। वी कैन यूज दैट प्रोडक्ट्स विद अवर मशीन्स ऑल्सो एंड गिव गुड रिजल्ट्स। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसा कि मैडम ने और मैंने बताया आपको कि हमारे पीएच को बैलेंस करता है, और पीएच जो रहता है इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, जिसे एक स्केल के द्वारा मापा जाता है जो 0 से 14 तक रहता है, राइट। हमारे स्किन का जो नॉर्मल पीएच रहता है वो 7 से 5.5 रहता है, जो नॉर्मल होता है। अगर हमारा स्किन का पीएच 5.5 रहेगा तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोई रहेगी और एकदम अच्छी रहेगी, ठीक है। और जैसे ही हमारा जो पीएच है वो नीचे की तरफ जाता है, 7 से नीचे की तरफ जाता है, तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, ऑयली हो जाती है। ऑयली होने के कारण क्या होता है कि हमारे में ऑयली प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि सबके पीएच अलग अलग होते हैं, इसलिए सबके स्किन अलग अलग होती है, क्योंकि आप लोग जो ब्यूटिशियन है और जो नॉर्मल जो ब्यूटिशियन नहीं है उनको भी पता रहना चाहिए कि अगर हमारा पीएच के अनबैलेंस है हमारी स्किन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जैसे ही वो 7 से 0 की तरफ जाती है हमारी स्किन ऑयली होने लगती है, और ऑयली के कारण हमें बहुत सारे ऑयली वाले प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मतलब ऑयली में क्या प्रॉब्लम्स होती है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पूरे अपने पिगमेंट आ जाते हैं, क्या बोलते हैं अपना ये आ जाता है, हाँ पिंपल्स आ जाते हैं। और जैसे ही हमारी स्किन 7 से 14 की तरफ जाती है हमारी स्किन का मॉइस्चर खत्म होने लगता है। मॉइस्चर खत्म होने के कारण क्या होता है कि हमारे स्किन में ऑयली टेक्सचर खत्म होने लगता है धीरे धीरे, और ड्राइनेस आ जाता है।
ड्राइनेस आने के कारण क्या होता है, हमें ड्राइनेस वाली स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्किन बहुत खिंची खिंची होती है और सनबर्न बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, एनीवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास एटॉमिक के पास में जो भी होम प्रोडक्ट्स हैं वो सारे पीएच को बैलेंस करते हैं। इनको लगाने से हमारे स्किन का जो प्रॉब्लम है वो 5.5 तक बाकी प्रॉब्लम खत्म होके हेल्दी जो 5.5 तक ये स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। इसमें जैसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट का, ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट में नरिशिंग क्रीम है जो आपके स्किन में नरिशिंग लाती है। इसमें आई क्रीम है, आई क्रीम तो इतनी बेस्ट है कि मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में इसलिए गारंटी से बोल सकती हूँ क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। मैंने 4 महीने यही काम किया है, पहले यूज़ किया है तब मैं आज जाके यहाँ पे स्टेज में आके बोल पा रही हूँ। तो आप लोग भी यूज़ करोगे तो आप लोग भी कल स्टेज में आके बोल सकते हो, क्योंकि किसी के सुनने से किसी के करने से हम नहीं बोल सकते। इसकी आई क्रीम इतनी अच्छी है कि मेरे बहुत ज़्यादा रिंगल्स थे, यहाँ पे रिंगल्स आ गए थे कोरोना काल में, मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल थे और आई क्रीम मैंने इसकी यूज़ की है 6 मंथ और इसकी आई क्रीम जो है वो 6 मंथ चलती है। इतनी सी क्वांटिटी, चने के दाने के बराबर क्वांटिटी अगर हम आईज में लगाते हैं डेली नाइट में, एक फेस वॉश करते हैं और आई क्रीम अप्लाई करते हैं, हमारी आई प्रॉब्लम खत्म और 6 मंथ में तो डेफिनेटली ख़त्म। तो आप अपने क्लाइंट को एक फेशियल दीजिए और अगर उसको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप उसको बिल्कुल आई क्रीम पकड़ाइए, आप उसको बोलिए कि आप ये आई क्रीम ले जाइए मैम। अब बोले 3,500 की है, 2,500 की, मैम तो महंगी कहाँ हुई। आप बताइए, आपने अपने पैटर्न बना रखा है दिमाग में, पहले बोलते मैडम महंगा है हम कैसे खरीदेंगे, तो गलत है, ये महंगी नहीं है। अगर आपको ये 6 मंथ चल रही है आई क्रीम तो महंगी कहाँ हुई और साथ में आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है, आपको एक बेस्ट रिजल्ट दी, तो क्या ये महंगी हुई। तो आप पहले ही क्लाइंट को प्राइस बता दोगे तो क्लाइंट पहले पीछे हट जाएगा। आप पहले क्लाइंट को उनकी समस्या बताइए, मैम आपको ये समस्या है, आपको डार्क सर्कल है, आपको रिंकल्स है, आप कितनी भी सेटिंग करोगे अगर आप मशीन से भी करोगे तो भी ये रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बहुत सेटिंग करके आते हैं फिर बोलते हैं मैम गया ही नहीं। तो आप उनको बेफिक्र आँख बंद करके हमारी एब्सोल्यूट की आई क्रीम पकड़ाइए, आप इसका टोनर पकड़ाइए, आप इसका मॉइस्चराइजर पकड़ाइए, आप इसकी क्रीम पकड़ाइए, हर से रिंकल्स पिंपल्स सारी प्रॉब्लम जाएगी, स्किन टाइट होगी, ग्लो होगी, हेल्दी होगी। इसके जितने भी ऑल आउट प्रोडक्ट हैं सब हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करते हैं, जो मेन स्किन की प्रॉब्लम होती है पैदा होने की। जब हमने सही डॉक्टर के पास हम गए हैं तो हमारे जो दवा है वो सही तरीके से लगेगी तो हमारी प्रॉब्लम सही तरीके से खत्म होगी, हमको इधर उधर भटकना नहीं है। आज अगर हम मशीन के द्वारा अपने ये प्रोडक्ट्स डालते हैं तो जो आप 4 सेटिंग में रिजल्ट देते हो 100% ये 2 सेटिंग में रिजल्ट मिलेंगे। मैंने दिया है, मेरे पास भी मेसोथेरेपी की मशीन है, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, उसके बाद में मैंने फ्रैकल्स, मैंने त्रिवेणी मैम के फ्रैकल्स मैंने 1 सेटिंग में दूर किए थे। मैम आइए इधर आइए, मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ ऐसे रिजल्ट बोल रही हूँ आपको, मैं यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ ऐसे रिजल्ट बोल रही हूँ। त्रिवेणी मैम आज इतनी सुंदर दिख रही है, हालांकि सुंदर ही है लेकिन इनके फ्रैकल्स थे, इनके सबके बहुत सारे लोगों के हैं, इनके पूरे यहाँ पे फ्रैकल्स थे ऐसे। और ये हाइड्राबैटिंग सेट हमारा बहुत अच्छा एटॉमिक का वो यूज़ कर रही है मैडम ने, और ये हाइड्राबैटिंग भी महंगा नहीं है क्योंकि ये 3 मंथ चलता है। अपने दिमाग से इसको क्रैक कीजिए कि प्रोडक्ट बहुत ही एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, ठीक है। मैम को देखिए, ठीक है, मेकअप नहीं है, तालियां बजा दीजिए यार, मेकअप नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर यहाँ ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन को मालूम है, लेकिन जो ब्यूटिशियन नहीं है जो इस एटॉमी में आए हैं पहली बार, तो उनको मालूम होना चाहिए कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी समस्या लेके तो वो एक कोर्स हमको देता है, वो कोर्स 3 मंथ्स का रहता है कि अगर आपका B12 कम हो जाए तो वो क्या कहेगा, B12 को ले, इंजेक्शन ले लो और 3 मंथ्स के लिए, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए कोई भी दवा ले लो। तो आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए तो आपको उसको 3 मंथ्स लेना है। ऐसे आपको क्लाइंट को और पेशेंट को और जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो
वो प्रोडक्ट, उसको बोलना चाहिए कि यू विल गेट डेफिनेट रिजल्ट्स, लेकिन आपको इतने दिन यूज करना है. इवन इफ यू गेट द रिजल्ट्स, बिकॉज सेल्स क्या करता है, रिपेयर रिबिल्ड एंड रिजुवेनेट करने के लिए उसको 3 months का टाइम चाहिए. सो ऑलवेज रिकमेंड दैट प्रोडक्ट फॉर एटलीस्ट 3 months. अभी आप देखेंगे कि इंटरनल हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी 120 ऐसे क्वांटिटी में है, क्योंकि वो 3 months के दिए हुए हैं. सो यूज दैट प्रोडक्ट्स फॉर एटलीस्ट 3 months एंड यू विल गेट डेफिनेट रिजल्ट्स फॉर योर पोस्ट एक्ने स्कार्स, पिंपल्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, सैगिंग स्किन, क्या नहीं, एंड यू विल गेट ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन आफ्टरवर्ड्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आज से सब ओनली एटमी प्रोडक्ट्स यूज करोगे, बेस्ट सेलिंग के. और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो मेरे ब्यूटिशियन फ्रेंड्स हैं उनको, कि जब भी आपके पास क्लाइंट आए ना, तो आप दो चीज तो उसको बिल्कुल टिका ही दीजिए अपने लैंग्वेज में. एक है स्प्रूलना, जो बहुत कम बजट का है और बहुत अच्छा वर्क करता है, बिल्कुल हीम के मुकाबले वर्क करता है. तो आप स्प्रूलना उसको दे ही दीजिए कि ये आप खाइए मैम, आप इसको खाएंगे. जिसको जो प्रॉब्लम है आप वो प्रॉब्लम बोल करके दिए. अगर उसको हेयर की प्रॉब्लम है, मैम आप स्प्रूलना खाइए, आपका इससे हेयर में ग्रोथ होगी, ये होगा वो होगा, और हेयर के प्रोडक्ट्स दीजिए. अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम है, स्प्रूलना दीजिए, मैम ये आप खाइए, इसको खाने से आपका स्किन ग्रो होगा, आपका पीएच बैलेंस होगा, आपको प्रोटीन मिलेगा वगैरह वगैरह, ये तो ये है, मैंने झूठ नहीं बोला है. तो आप ये चीज करके एक कॉम्बिनेशन, एक अच्छा डिजाइन करके अपने क्लाइंट को दीजिए. तो जब आप डिजाइन करके क्लाइंट को देंगे तो उसको रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आएगा तो वो आपके पास और 4 क्लाइंट लेकर आएगा. ठीक है, हमारा जो पेस्ट है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया था, और आज ऐसा रहता है कि उनका पेस्ट बिल्कुल खत्म होने के पहले वो मेरे पास पहले बोलते मैम पेस्ट मंगा दीजिए, क्योंकि वो दूसरा पेस्ट करने के लिए देखते ही नहीं है. क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि इसमें वो क्वालिटी है. हमें एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है क्लाइंट के लिए, दूसरी बार हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्लाइंट अपने आप ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है क्लाइंट को, और वो और 4 क्लाइंट लेके आता है. तो ज्यादा ना समय लेते हुए एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम स्टार्ट कर दीजिए सर. थैंक यू सो मच.